वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप 40 से 50 के बीच में हो और आप जब 30 या 25 के थे उस टाइप का प्लेजर फील करते हो, संबंध बनाना चाहते हो अपनी वाइफ के साथ, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको अपने खाने का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका एज जो है ना, उसके कारण आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो अपना इरेक्शन खो चुका है। आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है या फिर लूजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको खाने का ध्यान देना पड़ेगा। आपको खाने में डेली दूध, केले और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना है, जिससे आपका जो पावर है वो लौटेगा धीरे धीरे। इसके साथ ही साथ आपको योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है आप इस चीज़ को कर सकते हो। सुबह के टाइम करो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जब आप अपनी वाइफ के साथ जब संबंध बनाते हो ना, तो उस चीज़ को आप फील करोगे कि आप में जो एनर्जी है वो आने लगी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप अपनी वाइफ के पास गए हो और आपका प्राइवेट पार्ट बहुत जल्दी इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने प्राइवेट पार्ट का मसाज देना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे मालिश करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल जो है हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। तो आप तो तिल का तेल भी ले सकते हो, कोकोनट का ले सकते हो, लौंग का तेल ले सकते हो। तो ये सब बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको खुद मसाज नहीं करना है, यहाँ पे आपको आपकी जो पार्टनर है, आपकी फीमेल पार्टनर है, उसको कहना है कि वो आपके प्राइवेट पार्ट को वहाँ पे मसाज करें हल्का हल्का। तो इससे आपका इरेक्शन जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे, इस चीज़ का एंजॉय ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का भरपूर मज़ा ले सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ। ओके बाय।